Hey. समझे यहाँ वोकल बनाओ, वोकल बनाओ यहाँ पे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणं उमासतन शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदनम और द्वितीय आदि गणेश तृतीय शिमिरोम शारदा निर्कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन में लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर लक्ष्मण देह दानो दलहन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव मैलन नसवार। चंद्र तपे सूरज तपे तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विनय करूं कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। Thank you.
बोलिए लखदातार की हेल 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 हेल। आप सभी श्याम प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जिसको जहां जगह मिले कृपया बैठ जाए, दिल से कीर्तन करें। अब दिल्ली वालों को क्या ज्यादा बोले, सब समझदार हैं और सब बाबा के बारे में जानते हैं। यही कारण है कि आज इतने लोग बाबा के दरबार में विराजमान हैं। सब मिलकर बोलेंगे एक नए भारत के लिए, हालांकि हम जिस जगह पर हैं हमें फ्लुएंटली मैं नहीं समझता कि हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद आने वाले 5 साल एक नए भारत का निर्माण और हो जाए। इसलिए प्रभु से अरदास करेंगे कि जिस तरह आज पूरी दुनिया ये मानती है कि अगर ईश्वरीय शक्ति कोई है तो उसका प्रमाण भारत में है, भले ही विदेशों में लोग ईश्वरीय शक्ति को कोई महत्व दे या ना दे, लेकिन भारतवर्ष के कण कण में प्रभु की कृपा विराजमान है और जिसने विश्वास किया उसको एहसास भी दिलाया। आइए सब मिलकर बोलेंगे कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया ओ कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे। बोलिए ओ जब तलक ये मेरी जिंदगानी रहे, कौन कौन ये जीवन पर्यंत की कृपा चाहता है पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या कन्हैया ओ Okay.
ये प्रिंट दिनों दिन बढ़ती जा रही है बाबा जी। कौन कौन चाहता है कि ये इसी तरह बढ़ती रहे? कौन कौन? ये मेगा एक उसकी तरफ एक हाथ बढ़ा देना, मैं तुम्हारी तरफ 100 हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं। जिस दिन ऐसे भाव हमारे हो गए, हमारे जाने के 30 साल बाद भी, 50 साल बाद भी दुनिया हमारे नाम से आंसू बहाएगी कि कोई बंदा था। आज की दुनिया में सगी औलाद 12 दिन के अंदर भूल जाती है, लेकिन अगर ये भाव रहेंगे ना तो हमारे जाने के 20-25-30 साल बाद भी दुनिया हमें याद करेगी। इसलिए बाबा से यही मांगा कि जिंदगी चाहे छोटी हो लेकिन ऐसी हो कि जाने के बाद भी हमें दिल से दुनिया याद करे। कौन कौन ऐसा चाहता है? कौन कौन? मैं रहूं ना रहूं तुमसे इतना हम गलती करते हैं।
बड़ी निशानी कोई नहीं हो सकती। किसको किसको चाहिए? Yeah.
कन्हैया बोल साचे बोलिए लख दातार। देखिए प्रेमियों, मैंने बार बार कीर्तनों में कहा है, मेरे पास और कोई तो माध्यम नहीं आपको बोलने का, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई भगत भी नहीं, ना मुझे कोई जानकारी, ना मैं कोई पर्चे देना जानता, ना मेरी श्याम बाबा से कोई बात होती, ना मुझे श्याम बाबा दर्शन नजर आते, आएंगे भी नहीं, ना मुझे दिखते, इसलिए प्लीज, दिन में कम से कम 50 टेलीफोन ऐसे आते हैं कि भैया हमें कुछ उपाय बताओ, आप भटक रहे हो। मुझको टेलीफोन करने से पहले अगर आप वही 2 मिनट अपने ठाकुर को ध्यान लगा लें तो शायद आपका काम बने। विश्वास ही एक ऐसी पूंजी है जो आपका काम बना सकती है। मैंने कई बार कहा कि सिर्फ खाटू काम बनवाने के लिए मत जाया करो, टेलीफोन आते हैं कि काम हमारा नहीं बना, हम खाटू जाते हैं। आप बाबा के लिए जा ही नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम बनवाने के लिए जा रहे हैं। समर्पण कर दो, छोड़ दो इसके ऊपर। मुझे एक बार बताओ आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो? रास्ते में जा रहे हो, बीच सड़क पर अगर आप चलोगे तो गाड़ी मार सकती है आपको, उसमें आपकी गलती है। लेकिन अगर आप फुटपाथ पर चल रहे हो जहां पर पैसेज है पैसेंजर को चलने का, अगर उस फुटपाथ पर आप चल रहे हो और कोई गाड़ी फुटपाथ तोड़कर अगर आपको मारती है, उसके अंदर आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है ना? आपके हाथ में क्या है, कुछ नहीं कर सकते आप। जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर समर्पण करने में क्यों चिंता करते हैं? क्या कर लोगे अपनी चिंता करके? जिस दिन इसके ऊपर पूर्ण समर्पित हो जाओगे कि बाबा अच्छा होगा बुरा होगा कोई बात नहीं, आपको कोई दोष नहीं देंगे, उस दिन विश्वास दिलाता हूँ उस दिन से कोई भी काम अटकने नहीं लगेंगे, हर काम बनने लग जाएंगे। इसलिए प्लीज प्लीज, पूरा हिंदुस्तान, अभी तो यूट्यूब के ऊपर में हर कीर्तन लाइव चल रहा है, चाहे घर के अंदर में 2 आदमी बैठकर के कीर्तन कर रहे हैं वो भी कीर्तन पता चलता है कि लाइव पहुंच जाता है, और चाहे हजारों की संख्या हो, जो लोग भी सुन रहे हैं, किसी से अपना दिमाग मत लगाओ, किसी से। आपके भाव अपने ठाकुर के सामने रखो, आपकी सुनवाई जरूर होगी। बोलिए लख दातार की हेल हेल। छोटी से यार ईमान गा रहा हूं। मुझे तो पता है जो लिखा है इस भजन में एक एक शब्द सही है, लेकिन उन लोगों के लिए जिसका विश्वास कहीं ना कहीं करता। लोग कहते हैं बाबा शरण जो तेरी, उसे तो देवता इस जहां में कोई तुम सा नहीं है, देवता इस जहां में कोई तुम सा नहीं है, बदल देता तो किस्मत बात झूठी नहीं है, बाबा तुम सा दयालु। कौन कौन मानता है, कौन कौन पूरे हाथ उठाना। और हाँ
लगता है सबको प्यारा। देखो
कंट्री की क्या है। इस दर पे जो भी दर पे जो भी आया अरदास है लगाया, झोली फैला के अपनी दुख दर्द है सुनाया। क्या मिला उसको? पूरे हाथ उठाकर जितने झोली बनाई उसे क्या मिला? उसको मिला भरोसा, ये जो पूरी दिल्ली उमड़ रही है ना,
ये 25 साल पहले इनमें से 99% लोग आपको नहीं जानते। कैसे आया आपके पास? कोई एक गया रात को, फकीर था, चंद दिनों में उसे राजा बना दिया। पड़ोसी ने देखा क्या बात है, उसने पूछा, उसने कहा मैं जिस बाबा के पास जाता हूँ फल में काम बनता है। भाई साहब हेलो, नए आए हो? देखो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पुराने हो ना तो जब मैं कीर्तन करने आऊँ या तो बाहर रहा करो, दूर रहा करो, ताकि मेरी नजर में बीच में उठकर जाते हो मुझे दुख होता है कि बाबा काम बनाने आ रहा आप जा रहे हो। अरे नहीं, यहीं से सेवा करो, यही तो भ्रम है यार, भजन से बड़ी कोई सेवा नहीं है प्रेम। आप सोचोगे कि चमन डुला लूंगा तो मुझे सेवा, ज्यादा बड़ी सेवा मिल जाएगी, भजन करने से बड़ी सेवा नहीं है। आगे हो जाओ। इसलिए बाबा अगर एक का काम बनेगा बिगड़ेगा, सौ मायूस होंगे, लेकिन अगर एक का काम बनेगा हजार के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। ढोल प्लेयर मोनू भाई नहीं, वो कल मेरे साथ बिलासपुर में था। तालियां बजाएं। जनवरी की जो 11 थी, झारखंड के बरकट्टा शहर में हम लोग थे, जब मैंने माइक संभाला वो रोने लग रहा था, ढोल बजाना छोड़कर रो रहा था। मैंने सोचा भाई क्या हुआ, तालियां बजाओ। सबने कहा ये देव भाई भी बैठा हुआ है ना, कहा इसके 3 महीने की लड़की को जवाब दे दिया डॉक्टरों ने कि 2 घंटे 4 घंटे की मेहमान है। मैंने कहा पागल तू रोकर बचा लेगा, पर कल दिन से पहले दिल्ली नहीं पहुंच सकता, अब सारी रात में करेगा तो वही करेगा जो उसको करना है, तू अपना काम कर वो अपना काम करेगा। इतना निर्दय नहीं है मेरा ठाकुर कि उसके दरबार में मृदंग बजाए तो उसके दरबार में भजन गाए और वो तेरी दुनिया उजाड़ दे, इतना निर्दयी मेरा बाबा नहीं है। गवाह है इतिहास, उसने दिल से बाबा के दरबार में ढोल बजाया, अर्जी लगाई उसने 125 रुपए की वहां पर, और जब कीर्तन खत्म हुआ आरती हुई, जिस डॉक्टर ने कहा था कि 2 घंटे 3 घंटे के मेहमान है, कीर्तन खत्म हुआ आरती हुई, रात को 1:30-2 बजे टेलीफोन आया, डॉक्टरों ने कह दिया कि सुबह रिलीज कर देंगे बच्ची को, बच्चे को। मेरी बातों का विश्वास नहीं होता, कभी भी वो मोनो ढोलक वाला ढोल पर जो बजाता है वो ढोल पर सचिन बैठा उसकी जगह वो बजाता है, उससे डायरेक्ट बात कर लेंगे। दिन के बाद से वो भी पैदल चलने लगा हमारे साथ। I'm sorry.
महीनों से नहीं गाया, अभी पर्ची भी आई है और क्या पता किसी के नाव लग जाए किनारे पर, इसलिए आई है। एक दुखियारा दरबार में चित्कार लगा रहा है, नैया मेरी डूब रही है, केवट बैठा है चुपचाप, मेरी बर्बादी के लिए ना कैसे देख रहे करते इनकारो, ये सोचकर गाना कि जो भी कमी आपके पास आज है वो पूरी करेगा मेरा बाबा। क्यों करते इनकार मुझे ये भेद बता जाओ, होली ले असवार आंटी जी, आप लोग पुराने श्याम बाबा के प्रेमी है ना। अरे उधर पीतल है, सोना उधर है ना, लेकिन क्या करें आजकल इमिटेशन ज्वेलरी का जमाना पड़ गया, लोग सोना नहीं पहनना चाहते, नकली ज्वेलरी है ना। नकली चाहिए कि असली चाहिए, बोलो आंटी, नकली चाहिए कि असली चाहिए? असली चाहिए ना, तो बाबा की कसम आज के बाद कभी भी कीर्तन में जाओगे ना किसी बगल वाले से बात मत करना, ठीक है ना। पूरे हाथ उठाओ, पूरे 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 पूरे, और छोटा तालियां बजाकर बोलना, नैया है मजेदार, जल्दी आ जाओ, नैया है मजेदार,
तेरा ही आधार
बिगड़ी सवार देते हैं श्याम जी भाई।
Oh,
उसका गुणगान करोगे ना, और ये सोच करके नहीं कि मेरा काम बनाएगा, बल्कि ये सोच करके कि मुझे अपना काम करना है, चाहे लाख तूफान आए, आप अगर मुझे परीक्षा लोगे ना बाबा, तो मैं परीक्षा में फेल नहीं होऊंगा। आप नहीं मुझे छोड़ना चाहो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, विश्वास दिलाता हूं
हर एक दिन इसकी होगी आपकी नहीं होगी। जो जितना ज्यादा डूबता है ना उसकी परीक्षा उतनी ज्यादा लेता है, लेकिन आखिर में डूबने वाले को पता चलता है कि मैंने क्या पाया है। इसलिए प्रेमियों आइए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में सब कुछ करना इसको मत छोड़ना, वरना बाबा सोचेगा ये तो व्यापारी था, जब तक फल मिलता रहा तब तक मेरे पास आया, थोड़ा सा तूफान भी आया मुझे छोड़कर कहीं और चला गया। ऐसे लोगों का कहीं गुजारा नहीं होगा। सुनो, हमारे में एका नहीं है, अगल बगल वाले भी बाथी घाल रहे हैं ना, एक साथ आ रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, लेकिन टाइम पड़े पर एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वहां पर एका है। कोई कह देता कि हनुमान जी के चले जाओ, साला सर चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। आज तक तो श्याम जी के नाक रगड़ते रहे और अचानक श्याम जी को छोड़कर साला सर जी चले गए और बाबा वहां पर रिक्वेस्ट करी, बाबा मेरा काम बना दो, तो साला सर जी बोलेंगे ये श्याम बाबा का नहीं हुआ मेरा क्या होगा, फिर कहीं रानी सर जी दादी भी जाएगा। इसलिए प्रेमियों एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो, उसको मत छोड़ो, आपका काम नहीं अटकेगा। बोल सांचे शुभकामनाएं, लेकिन भाई मेरे मुझे नहीं आता बर्थडे का भजन, सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, आपके बच्चे का है, आपके बच्चे के लिए एक बार तालियां बजा दो इनके बच्चे के लिए। मुझे नहीं आता भजन, नहीं आता, बल्कि अब तो किसी बर्थडे पार्टी में कीर्तन होता है, किसी शादी ब्याह के उपलक्ष में कोई कीर्तन कराता तो हाथ जोड़ता हूँ, भाई हमारे पास नहीं है, हंसी खुशी की बात है, फिर बोलोगे रोता धोता आया था। इसीलिए ये रो रो रहा है पुकार सामने, ये किसको किसको आता है, उठाओ ना हाथ, उठाओ पूरे पूरे और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर क्या बोलेंगे, I'm
Thank you.
देखो आप लोगों के धैर्य का मैं धैर्य को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप एक ही भजन को रोज सुनते हो, जबकि मैं एक भजन को अगर चार बार गा लेता हूँ ना तो मुझे लगने लग जाता है यार क्या अलग अलग आई। देखो कुछ एक भजन बाबा ने गवाए लेकिन वो लाइव नहीं चल सकते, लाइव नहीं चल पाएंगे। कुछ एक भजन बने ही सिर्फ ऐसा कि आप सिर्फ सुनो, ठीक है ना, और सुनो कब, जब बिल्कुल एकांत में, जब बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। अच्छा लास्ट में चार लाइन सुना, देखो इसका मुझे आज तक नाम नहीं पता, इसका नाम क्या है, दो साल पहले कीर्तन हुआ था गांधीनगर में, और उस कीर्तन में पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे हिंदुस्तान के श्याम प्रेमी आए, रवि भैया काठमांडू वाले के घर पे कीर्तन हुआ था, और होटल पे, हालांकि मैं कहीं नहीं ठहरता दिल्ली में, मैं तो अपने रोहिणी में ही ठहरता हूँ, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि मेरे कलकत्ता से कला भवन से भी बहुत से लोग आए थे, और मैं वहाँ होटल में चला गया, और उसने, इस लड़के ने 24 घंटे में सारे लाखों बार बाबूजी कहा, इसका नाम ही बाबूजी पड़ गया। श्याम बाबा के दरबार में, ये सचमुच में बताता हूँ, ये बात इसलिए बताई कि यही दरबार एक ऐसा दरबार है, ऐसी अजीबोगरीब पहचान दे देता है, और जितने भी काठमांडू वाले, बंबई वाले, कलकत्ता वाले, जब भी देखते किसी को नाम नहीं पता, और बाबूजी, मैंने अपने मोबाइल में भी इसका नाम बाबूजी फीड कर रखा है। हालांकि उम्र में मेरे से छोटा है, लेकिन इसके भाव प्रबल है कारण। ये श्याम जगत की जिंदगी का सार है। श्याम की सच्ची आस है जिसको, श्याम मेरी विश्वास, सच्ची निष्ठा श्याम की जिसको, श्याम करे ना निराश। बड़े सदा खुश रखने वाले की क्या बोलोगे, बाबा श्याम पे भरोसा किए जाते हैं, जैसे आते हो खुशी से Thank you.
Ha ha ha!
खुशी से जिएगा Thank you.
Thank you.
किसको खाटू बुलाता है बाबा? हर ग्यारस को, हर ग्यारस को किसको किसको बुलाता है? वहां से आकर क्या कहते हो, वहां जाकर क्या कहते हो? बाबा से बाबा, दो दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करो, अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं। अच्छा, तेरा भी 4 लाइन सुनाऊंगा। दो दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं। रहता है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के वश में, आज री लिखवाता हूँ हर
Thank you.
Bye.
बहुत आभार सभी श्याम भक्तों का। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की। आइए सब मिले, सर्वप्रथम परिवार वालों की तरफ से पूरे मंडल के द्वारा बड़े भैया संजय मित्र जी का सम्मान किया जाएगा। आइए उसके बाद एक धमाल बेबी प्रेरणा मित्र के द्वारा एक धमाल भी होगी। अभी कोई जाए ना,